नमस्कार, इंडिया खबर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा और अब खबरों को देते हैं विस्तार। पुलिस पार्टी पर हमला कर फरार हुए कुख्यात बदमाश भीमा यादव को पुलिस ने दबोच लिया है। भीमा पर 30,000 रुपए का इनाम था। वह रेत माफिया है और 50,000 के इनामी अंतर्राज्यीय बदमाश अजय जडेजा के साथ वह फरार हुआ था। पुलिस ने भीमा के 4 अन्य साथियों को भी दबोचने में सफलता प्राप्त की है। गौरतलब है कि 6 दिसंबर को भोपाल पुलिस हत्या के एक मामले में पेशी के लिए भीमा यादव को ग्वालियर लेकर आई थी। उसी दौरान लक्ष्मणगढ़ पुलिया के पास भीमा के भाई देवेंद्र यादव, अजय जडेजा और अन्य साथियों ने भोपाल पुलिस पार्टी पर हमला कर उसे छुड़ा लिया था। भीमा और अन्य साथी आरोपी उस समय भाग निकले थे। जाते जाते भीमा एक पुलिसकर्मी की राइफल भी छीन ले गया। हालांकि बाद में पुलिस को ये राइफल मिल गई थी। पुलिस ने इस घटना के बाद भीमा पर 30,000 का इनाम घोषित किया था। इसे भगाने में मुख्य भूमिका भीमा के साले अवनीश, उसके साथी अजय जडेजा और देवेंद्र यादव ने निभाई थी। पुलिस ने इन सभी आरोपियों को जौरासी घाटी के पास से दबोचना बताया है। जो 7 दिसंबर 2018 को पुलिस अभिरक्षा से भगा था और उस घटना में पुलिस की 2 इंसास राइफलें भी ये लोग लूट ले गए थे, तो हम लगातार इसको ट्रैक कर रहे थे। हमारी जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो ट्रैक कर रही थी। आज सुबह क्राइम ब्रांच को खबर मिली थी कि ये लोग आ रहे हैं 2 गाड़ियों में, तो हमारे क्राइम ब्रांच की टीम ने इनको इंटरसेप्ट करके पकड़ा। और सबसे अच्छी बात ये है कि एक हार्डन क्रिमिनल वेस्टर्न यूपी का, जिसके ऊपर करीब 31 मामले अभी तक हमें पता चला है कि मेरठ, आगरा, झांसी, भिवानी, हरियाणा, गुड़गांव में इसके ऊपर दर्ज हैं और इसको एक मर्डर के केस में सजा भी हो गई है। ये पैरोल से फरार था। उत्तर प्रदेश एसटीएफ को, हरियाणा पुलिस को इसकी तलाश थी पिछले 1-1.5 साल से, और वो भी हमारी क्राइम टीम ने अपना जो मेन टारगेट था भीमा यादव उसको पकड़ने के दौरान इसको पकड़ा। और इस पे भीमा यादव पर आईजी ग्वालियर जोन की तरफ से 30,000 रुपये का इनाम था। और ये जो अजय जडेजा है इसके ऊपर डीआईजी झांसी रेंज की तरफ से 50,000 रुपये का इनाम है अभी तक जो हमें जानकारी मिली है। हमने उत्तर प्रदेश पुलिस, दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस को खबर की है। वहाँ से टीमें पहुँच रही हैं और वो लोग आकर के भी पूछताछ करेंगे। हम माननीय न्यायालय से इसका, इन लोगों का पीआर लेंगे और फिर चारों स्टेट की पुलिस के कोऑर्डिनेशन से बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी, क्योंकि आपको पता है चुनाव डिक्लेयर हो गए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत सारे धर बदमाशों की धरपकड़ करने के निर्देश हैं। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और ग्वालियर पुलिस का ये बहुत अच्छा अचीवमेंट है। पुलिस से जानकारी के मुताबिक भीमा और उसके साथियों पर हत्या के प्रयास, अवैध वसूली सहित कई गंभीर अपराध दर्ज करे हैं। पुलिस के लिए ये बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। ग्वालियर में पाल भगेल समाज द्वारा पहली बार इंदौर रियासत व होलकर राजवंश के संस्थापक महाराज मल्हार राव होलकी की जयंती के उपलक्ष्य में फूलबाग स्थित मानस भवन में उनका जन्मोत्सव एवं होली फागोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इंजीनियर महेंद्र पाल सिंह ने एक पत्रकार वार्ता में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आयोजन में धनगर आंदोलन के प्रणेता जेपी धनगर, चंद्रशेखर पाल और वरिष्ठ पत्रकार घनश्याम होलकर इस आयोजन में शामिल होंगे। ये आयोजन महाराजा मल्हार राव होलकर की जयंती 17 तारीख को हम लोग मनाने जा रहे हैं। 16 मार्च सन 1692 में उनका जन्म हुआ था और ये 326वां जन्मदिवस है उनका, जिस पर हम ये कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं। ये कार्यक्रम मानस भवन में और प्रातः 11 बजे ये कार्यक्रम हमारा यहाँ होगा। कार्यक्रम की मुख्य रूपरेखा है कि समाज में जो हमारी, जिस तरह से समाज में शिक्षा के ऊपर, सामाजिक व्यवस्था के ऊपर, राजनीतिक पिछड़ेपन के ऊपर, इन सब चीजों को लेकर के इसके अंदर चिंतन मंथन होना। ग्वालियर के जनगंज थाना इलाके के बक्शी की गोट में स्थित माता मंदिर पर देर रात बदमाशों ने तोड़फोड़ कर दी, जिससे मंदिर में स्थापित माता की मूर्ति टूट गई। सुबह जब यहां पूजा अर्चना के लिए पहुंचे लोगों ने मूर्ति की जीर्ण शीर्ण अवस्था में देखा तो यहां हंगामा खड़ा हो गया, जिसके बाद बजरंग दल सहित हिंदूवादी संगठनों के लोग तो मौके पर पहुंच ही गए, साथ ही स्थानीय रहवासी भी बड़ी संख्या में जमा हो गए।
पुलिस को जब हंगामे की खबर लगी तो CSP और जनगंज TI समेत तमाम पुलिस बल मौके पर पहुंच गया और लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। मैं सुबह आके मंदिर को माता को नहलाता हूं और उसके बाद में अपने काम को स्टार्ट करता हूं, लेकिन मैंने आज जब सुबह आया 7:30 बजे तब मैंने देखा कि माता की मूर्ति मंदिर से नीचे पड़ी हुई है जो कि खंडित कर दी है। मैंने तुरंत लिखी इसकी सूचना सबसे पहले SP महोदय जिला ग्वालियर को दी। SP महोदय द्वारा कार्रवाई की गई, पुलिस बल भेजा गया। उसके बाद में मैं ये चाहता हूँ इसकी निष्पक्ष जाँच हो, क्योंकि ऐसा यदि अगर किसी के द्वारा कोई कृत्य किया गया है तो वो गलत है और मैं उसकी निंदा करता हूँ। जिसने भी ऐसा किया उसे कठोर से कठोर सजा होनी चाहिए। असामाजिक तत्व हैं जिनके द्वारा ऐसा किया गया है और इसकी जांच भी होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और उसके प्रति कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा SP महोदय से निवेदन है कि वो आगे कार्रवाई करें, इस पर निष्पक्ष जाँच करें, उसकी CCTV फुटेज निकाल के, बाकी कैमरे लगे हुए हैं, कैमरे से इसकी जाँच हो जाएगी। पूरे रात इसकी जांच होनी चाहिए और उनको दंडित होना चाहिए सर। यहाँ पे जो बाज़ार में मार्केट में है, यहाँ पे माताजी का मंदिर था और किन्हीं लोगों के कारण रात को ये मंदिर खंडित कर दिया गया। सुबह जब लोग वाग यहाँ पे दर्शन करने आते हैं रोज़ की तरह, तो उन्होंने पाया कि मूर्ति जो है नीचे डली हुई थी। प्रशासन यहाँ पे आया हुआ था, सभी लोग यहाँ पे, सामाजिक लोग यहाँ पे पहुँचे और उन्होंने देखा कि इस तरह की घटना यहाँ पे शहर में आए दिन होती रहती है। करीब कईयों बार हमने देखा है कि मंदिरों को ही तोड़ा जाता है, कई जगह ऐसे हमने देखा है। आज तक प्रशासन ने कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की, किसी व्यक्ति को आज तक पकड़ के गिरफ्तार नहीं किया गया जो कि मंदिर तोड़ने में सक्षम रहते हैं ऐसे लोग। और ऐसे असामाजिक तत्वों को प्रशासन से हमारी मांग है कि जल्द से जल्द उठा के और बंद करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए उन लोगों पे, कि हमारे धार्मिक स्थान तो बचे रहे कम से कम। वहीं ASP सत्येंद्र सिंह तोमर का कहना है कि किसी असामाजिक तत्व द्वारा मूर्ति नहीं तोड़ी गई है। यहां मंदिर के पास लगी CCTV कैमरे जांचे गए तो पता चला है कि यहां किसी आवारा पशु के मंदिर में घुस जाने के कारण मूर्ति खंडित हुई है। सुबह करीब 7:30-8 के आसपास खबर आई थी, जनकगंज में जो गांधी मार्केट है वहाँ पे एक देवी माँ की प्रतिमा की तोड़ दी गई है। तो घटनास्थल पर तुरंत थाना प्रभारी CSP और मैं भी गया था और जो वहाँ CCTV फुटेज और तमाम सारी चीज़ों को देख के प्रथम दृष्टया ये लगा है कि वहाँ पे एक गाय अंदर गई थी, वहाँ पे मंदिर के पास 7-8 मिनट वो वहाँ पे अंदर रही है। तो अभी वहाँ के जो और सामान्य पब्लिक थी और CCTV फुटेज देख के यही लगाया कि ये गाय ने कुछ माला या प्रसाद कुछ रखा होगा, उसको लेने की कोशिश की है तो उसमें ये मूर्ति गिर के टूट गई है, वहाँ व्यवस्थित कराया जा रहा है। ऐसा कहीं से कहीं तक कोई CCTV फुटेज में कोई व्यक्ति आते हुए नहीं दिखा और CCTV फुटेज सब लोगों के सामने देखा तो सभी लोग इस बात से, वहाँ के लोकल जो निवासी है वो भी सहमत हो रहे थे कि कहीं ना कहीं ये एक अंदर गई थी, उसके ही द्वारा कहीं ना कहीं माला या प्रसाद लेने का प्रयास किया होगा। गर्मियों के मौसम में पानी की किल्लत को देखते हुए जिला प्रशासन अभी से जल संरक्षण के उपायों में जुट गया है, जिससे कि गर्मियों के मौसम में लोगों को परेशान नहीं होना पड़े। इसी सिलसिले में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट परिसर में ग्वालियर महानगर की जल प्रदाय वितरण प्रणाली को लेकर समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कलेक्टर अनुराग चौधरी, नगर निगम कमिश्नर, जिला पंचायत CEO सहित PHE महकमे के अधिकारी मौजूद रहे। नहीं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है। कलेक्टर साहब ने खुद मतलब इसके लिए पूरी समीक्षा कर रहे हैं, शहरी और ग्रामीण क्षेत्र दोनों की, जिससे पूरी गर्मियों में कोई इस तरह का इशू ना बने जिसमें कि पेयजल की समस्या है। जो भी शासन स्तर से मांग करनी है या जिस तरह से भी प्लानिंग की है वो पूरी समझ रहे हैं और अपन उम्मीद रखते हैं कि उनकी लीडरशिप में अच्छा हम इस गर्मियों में पानी पिला पाएंगे। नहीं, नगर निगम कर भी रहा है, अभी चेतकपुरी में जो है बावड़ी चालू हो गई और भी हमने ट्रेस की है, तो करीब 2,500 बावड़ियाँ शहर भर की अगर बात की जाए, लेकिन उसमें जो मेन है उन पे हम काम कर रहे हैं। ग्वालियर के थाटीपुर थाने में स्वर्ण समाज के कुछ लोगों को SC ST एक्ट के तहत झूठे मामले में फंसाने के विरोध में स्वर्ण मोर्चे के सदस्यों ने शुक्रवार को SP ऑफिस का घेराव करते हुए SP नवनीत भसीन को ज्ञापन दिया। SP ऑफिस पहुंचे प्रदर्शनकारियों का कहना था कि पुलिस ने बिना मामले की जांच किए स्वर्ण समाज के 3 लोगों को झूठे मामले में फंसा दिया है, जबकि जिन लोगों को फंसाया गया है वो घटना वाले दिन शहर में मौजूद ही नहीं थे। जी, अभी एक कल ही 14 तारीख को एक प्रकरण दर्ज कराया गया ठाटुपुर थाने में SC ST एक्ट के तहत, उसमें झूठा प्रकरण दर्ज किया हुआ है। जो 3 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया वहाँ वो मौजूद नहीं थे, वो लोग उनके खिलाफ इतनी जल्दी कायमी की
कुछ लोग इकट्ठे हुए थाने पर और कायमी तुरंत एक घंटे के अंतराल में कायमी कर ली गई। एक जो सामने वाले पक्ष पर जिस पर कायमी हुई उनसे पूछताछ तक नहीं की गई, ना उनको बुलाया गया। हम चाहते हैं कम से कम SC ST एक्ट जैसा इतना गंभीर अपराध जो मुकदमा है जो दर्ज अगर करते हैं तो कम से कम सामने वाली पार्टी को सूचना दें, बुलाएं कि मौजूद थे या नहीं थे। एक बार दर्ज हो जाता है उसके बाद 6 महीने तक उसमें जमानत नहीं है, लोग अंदर जेल से ही निकल पाते, सड़ जाते हैं अंदर। अगर हम जैसे समाज सेवा के ये लोग सब इकट्ठे होकर आए, सिर्फ एक की लड़ाई के लिए नहीं आए, ये इस एक्ट के विरोध करते हैं सब लोग, और इसके लिए आए कि ऐसी कार्रवाई तुरंत ना की जाए, कम से कम उसमें जाँच हो। तो SP साहब से भी हमने आवेदन ज्ञापन यही दिया है कि उसमें पहले कम से कम पूछताछ हो। वो उन्होंने आश्वासन दिया कि इसमें जांच की जाएगी, इसमें इस मामले में क्या उचित कार्रवाई। जो युवक है जिसके ऊपर मामला दर्ज किया गया लगभग 3 महीने से यहाँ थाने, एक युवक उनमें से 3 लोगों पर दर्ज किया गया। एक युवक उसी दिन आया है सुबह सुबह और शाम को पता चलता है कि उसको वो घर में सो रहा था, उसको फोन बताया गया कि तुम पर मुकदमा दर्ज हुआ है, वो उठ के हमारे पास आया कि भैया ऐसे ऐसे हुआ है। जैसा कि हम लोग इसका एक्ट के तहत इसका विरोध करते हुए आए, हम लोग सब समाज सेवी हैं इसके, तो हम लोगों ने एक्शन लिया, तुरंत हम लोग थाने पर गए। TA साहब से भी बात की तो उन्होंने, एक महिला थी जो इस केस में उसके साथ बदतमीजी की गई उन लोगों द्वारा जिन लोगों ने प्रकरण दर्ज कराया है, और उस महिला का आवेदन लेने से मना किया। TI साहब ने कहा कि हम कल आइए, आप कल बात करते हैं। जिस दिन घटना हो रही है उस दिन उसकी कार्रवाई ना करके उन लोगों की कार्रवाई कर रहे हैं जो झूठी है। जो सच्ची घटना है महिला के साथ अभद्रता की गई उसकी कार्रवाई नहीं की गई। कल एक अपराध दर्ज हुआ था हाटीपुर थाने में, उसको लेके कुछ विषयों पर कुछ लोगों को आपत्ति थी, उनकी आपत्ति अभी सुनी गई है, उनका ज्ञापन लिया गया है और हमारे एडिशनल SP स्वयं मौके पर गए हैं, घटनास्थल का मुआयना करने गए हैं, और अभी वो जब पूरा घटनास्थल देख के घटनाक्रम देख के हम बताएंगे तब हम लोग अग्रिम वैधानिक कार्रवाई करेंगे। मैंने आपको बताया कि कल हमारे एडिशनल SP में बाहर थे तो आज वो आए हैं, लौट के पूरा घटनाक्रम देख रहे हैं, उनके जो भी उनका वहाँ पे मूल्यांकन होगा उसके पश्चात ही मैं इसमें कुछ कह पाऊंगा। लोकसभा चुनावों को देखते हुए पुलिस द्वारा लगातार सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है और अवैध शस्त्रधारियों की धरपकड़ की जा रही है। गत रोज मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कंपू थाना इलाके से 2 आरोपियों को अवैध बंदूक के साथ दबोचा है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की है। पुलिस को सूचना मिली थी कि कंपू थाना इलाके में 2 लोग अवैध हथियारों के साथ देखे गए हैं, जिस पर पुलिस ने यहां सर्चिंग अभियान चलाकर 2 आरोपी सलमान खान और साबिर अली को हथियारों के साथ दबोच लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 303 बोर और 12 बोर की 2 बंदूकें एवं कुछ कारतूस भी बरामद किए हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर अवैध शस्त्रधारियों के विरुद्ध जो विशेष अभियान चल रहा है पूरे प्रदेश में, उसी के तहत माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में ग्वालियर जिले में भी लगातार कार्रवाई चल रही है। उसी कड़ी में STF और कंपू पुलिस को एक कल बड़ी सफलता मिली है। इनमें 2 आरोपियों को कल गिरफ्तार किया है, जिनसे एक 303 बोर राइफल और एक 12 बोर राइफल और इनके जिंदा कारतूस भी मिले हैं, इनसे जब्ती हुई है। और ये जो अपराधी लोग हैं जिनका ऐसा रिकॉर्ड है उसके आधार पर हम इन लोगों का रिमांड लेंगे, संभवतः और भी कई चीज़ें सामने आएंगी। ये सब चीज़ें हम लोग बात कर रहे हैं इनसे, इनका रिमांड भी लेंगे, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये जिस तरह के जो बड़े हथियार हैं इनके पास, हो सकता है कोई गंभीर वारदात करते हैं। ये मूलतः ये ग्वालियर जिले के रहने वाले हैं, पुरानी छावनी के अंतर्गत कौन सा सिगौरा, ग्राम सिगौरा है, वहाँ के रहने वाले हैं दोनों आरोपी, एक सलमान है और दूसरा साबिर। इनमें कारतूस एक 4 मिले हैं 303 बोर के और 2 राउंड मिले हैं 12 बोर के। बिल्कुल, एक ये सलमान है, ये वांटेड है पुरानी छावनी में एक प्रकरण में और संभवतः इसका भी रिकॉर्ड है, तो ये सब चीजें हम लोग देख रहे हैं। रेत के अवैध परिवहन पर रोक लगाने और रेत कारोबारियों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस और जिला प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में बीती रात डबरा के बेलगड़ा घाट पर छापामार कार्रवाई कर अवैध उत्खनन में जुटे आधा दर्जन से अधिक वाहनों को जब्त किया है। डबरा SDM जयंती सिंह के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। इस दौरान राजस्व महकमे की टीम भी मौके पर मौजूद रही। कार्रवाई की गई, किस प्रकार की कार्रवाई की गई? आज हमने बेलगड़ा में अवैध रेत उत्खनन के संबंध में कार्रवाई करी गई है, जिसमें 6 ट्रैक्टर अवैध रूप से परिवहन करते हुए पकड़े गए हैं। एक पिछौर थाने पर रखवा दिया गया है, बाकी अन्य जब्त करके हम लोग नियमानुसार कार्रवाई के लिए आगे हम कोई पंडुब्बी वगैरह या कुछ पंडुब्बी नहीं, हमने आज ट्रैक्टर ट्रॉली अवैध परिवहन पर कार्रवाई करते हुए इनको जब्त करा। जीवाजी यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित BA, BSc, BCom, BHSc की प्रथम
और द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं शुक्रवार से शुरू हो गई। इस बार अंचल के 84 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की जा रही है। जीवाजी विश्वविद्यालय के परीक्षा भवन में 927 परीक्षार्थियों द्वारा परीक्षा दी गई। ग्वालियर के साथ अंचल भर में नकल रोकने के लिए जेयू द्वारा फ्लाइंग स्क्वाड भी भेजा गया है। इन्हें परीक्षा केंद्रों की सूची के साथ उनका पिछला रिकॉर्ड भी दिया गया है। इस आधार पर ही फ्लाइंग स्क्वाड परीक्षा केंद्रों पर पहुंचेंगे और कार्रवाई करेंगे। एनुअल पैटर्न का जो है एग्ज़ाम जो है परीक्षा भवन में संचालित हो रहा है। 927 बच्चे बैठे हैं जिसमें कि अलग अलग कॉलेजेस के बच्चे हैं और बीकॉम और बीएससी के बच्चे हैं। बीकॉम का पेपर है और बीएससी के फूड टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स और उसके पेपर है जो कि एनुअल पैटर्न पे जो इस बार से जो शुरू किए हैं। तो 927 बच्चों को जो है यहाँ पे व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के लिए तो जो है हम जैसा कि परीक्षा भवन है जीवाजी विश्वविद्यालय के अंतर्गत ही आता है और वर्ष भर जो परीक्षाएँ होती रहती तो हमारे यहाँ सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता हैं और अवगत भी करा देते हैं। हम पास में जो विश्वविद्यालय थाना वहाँ भी अवगत करा देते हैं तो सुरक्षा हमारे लिए चाक चौबंद की हुई है, वो पूरी तरह प्रतिबंधित है। हम प्रवेश पत्र पे भी अंकित कर देते हैं और जांच के दौरान भी जो है महिला वीक्षक जो है जांच करती है महिलाओं की और पुरुष वीक्षक गार्ड भी खड़ा रहता है और उनका सामान की भी जाँच होती है, उसके उपरांत ही प्रवेश दिया जाता है। नर्सिंग छात्र संगठन द्वारा शुक्रवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन कर अपनी मांगों को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। छात्रों का कहना है कि बीएससी नर्सिंग एवं एमएससी नर्सिंग की परीक्षाओं के समय पर संचालित किया जाए जिससे उनकी परीक्षा परिणाम समय पर जारी हो सके और परीक्षा के दौरान इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग के नियमों का पालन किया जाए। छात्रों का कहना है कि वर्ष 2017-18 में उन्होंने एडमिशन लिया था जिसकी परीक्षा अभी तक संपन्न नहीं कराई गई है, जबकि नियमों के अनुसार एक साल में परीक्षा आयोजित की जानी थी। जबलपुर मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है उसकी तरफ से जो लापरवाही बरती जा रही है छात्रों के भविष्य के प्रति, उसके लिए हम आज कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए हुए हैं। जो परीक्षाएं बीएससी नर्सिंग की 2018 में होनी चाहिए थी वो पहले से ऑलरेडी इतनी लेट हैं कि पहले बोला गया 2019 में कराएंगे, 18 में नहीं करवाएंगे वो, तो छात्रों का बहुत समय बर्बाद होता है और इसके चलते कई छात्र ऐसे होते हैं जो फॉर्म वॉर्म भरे जाते हैं, रिवेल्यूएशन सप्ली वगैरह, उनके पैसे बर्बाद जाते हैं। उसके लिए आज ज्ञापन देने के लिए आए थे। मांग हमारी ये है कि जो 2018 में परीक्षा होनी थी 2019 में भी नहीं करवाई जा रही है। अब अगर उनसे बोलते हैं जाके यूनिवर्सिटी में तो उनका ये कहना है कि लोकसभा चुनाव के कारण इन परीक्षाओं को लोकसभा चुनाव के पास कराया जाएगा, जबकि ये जो परीक्षा है ये 2018 में हो जानी चाहिए थी। भग रहे हैं ग्वालियर से या प्रदेश में और भी नर्सिंग जो कॉलेज हैं उनसे सारे लोग जो हैं इतना परेशान हो चुके हैं यूनिवर्सिटी से कि वो सारे अपनी आधी पढ़ाई बीच में छोड़ के भग रहे हैं। ऐसे समथिंग 300-400 छात्र भी हैं प्रेजेंट में आज ये, और साथ में हमारे जो छात्र आए हुए हैं वो उन छात्रों का सबके सुबह से फोन आ रहे थे कि सब ऐसी सी बात है और एक साल से इन लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है कॉलेज और यूनिवर्सिटी की तरफ से। काली शक्ति से शादी प्यार ग्रह कलेश की समस्याओं से मुक्ति दिलाने का दावा कर होटल करतार में ऑफिस चला रहे तांत्रिक मोहम्मद साहिल उर्फ मियाँ गुलाब खान निवासी पूर्वी दिल्ली को कोतवाली पुलिस ने तमंचे के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक होटल करतार के कमरा नंबर 106 में रुके व्यक्ति की गतिविधियां संदिग्ध होने की सूचना मिली थी। इस पर दबिश देकर जब होटल के कमरे की तलाशी ली गई तो वहां रुके मियां गुलाब खान के सामान में से एक कट्टा बरामद हुआ। पुलिस ने जब आरोपी से पूछताछ की तब उसने बताया कि लोग मूर्ख हैं और वह उन्हें मूर्ख बना रहा है। गुलाब ने पूछताछ में यह भी बताया कि वह दिल्ली में बीते 1.5 वर्ष यह काम कर रहा है। गुलाब ने यह भी बताया कि उसके पास अब तक कई लोग समस्याएं लेकर आए और उसे फीस देकर गए। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। ये कार्रवाई थाना कोतवाली क्षेत्र में हुई है। साहिल निवाती करके आरोपी है, ये दिल्ली का रहने वाला है, इसको गिरफ्तार किया है और इस पर अवैध कट्टा भी मिला है, तो इसको अरेस्ट करके इससे पूछताछ कर रहे हैं। संभवतः ये बताते हैं दिल्ली में भी कुछ इसी टाइप की हरकतें करता रहा है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ठगी करना तांत्रिक उसका प्रयोग करके, तो यहाँ भी इसने जो कुछ किया होगा तो हम लगातार इससे बात करेंगे, कुछ चीज़ें निकल के आएंगी तो और कार्रवाई करेंगे आगे। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच से ग्वालियर विकास प्राधिकरण को बड़ी राहत मिली है।
पिछले कई सालों के विलंब से दायर रिव्यू पिटीशन को जस्टिस संजय यादव और जस्टिस विवेक अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने स्वीकार करते हुए छिंदी व दामोदर को इस मामले में प्राधिकरण को पक्षकार बनाने का निर्देश दिया है। मामले की सुनवाई अप्रैल से नए सिरे से होगी। कोर्ट ने माना कि इस पूरे प्रकरण में ग्वालियर विकास प्राधिकरण को अपना पक्ष रखने का अवसर ही नहीं दिया गया था। ग्वालियर विकास प्राधिकरण की नगर विकास योजना थी, वर्ष 1981 में पब्लिश हुई थी, उसमें ग्राम जोधुपुरा का सर्वे क्रमांक 70 है, जो कि 0.529 हेक्टेयर है, तकरीबन 5290 स्क्वायर मीटर के आसपास जमीन है। जो चूँकि GDA की योजना की जमीन थी और जिला योजना समिति द्वारा इसका आवंटन GDA को किया गया था, क्योंकि राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत आवासहीन लोगों को भवन बना के दिए जाने थे, और ये मध्य प्रदेश शासन द्वारा अतिशेष घोषित की गई थी अर्बन सीलिंग एक्ट के तहत। तो अर्बन सीलिंग एक्ट के तहत अतिशेष घोषित की गई, तो उसकी प्रोसीडिंग को जो भूमि स्वामी तथाकथित भूमि स्वामी हैं उनके द्वारा छिद्दी और दामोदर द्वारा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट में चुनौती जून 2000 में दी गई थी, जबकि यह भूमि प्राधिकरण को मई 2000 में आवंटित हो चुकी थी। हाईकोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने पूर्व में ये माना कि अतिशेष किए जाने वाली जो भी कार्रवाई है ये विधि अनुसार नहीं है, और उसको अपास्त कर दिया था। अपास्त के बाद जब ये दामोदर और छिद्दी द्वारा नामांतरण की कार्रवाई के लिए पुनः हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई और नामांतरण के आदेश भी उनके पक्ष में किए गए, लेकिन इन समस्त कार्रवाइयों में प्राधिकरण को न तो पक्षकार बनाया गया और न ही प्राधिकरण का पक्ष सुना गया था। तो इस आधार पर प्राधिकरण द्वारा तकरीबन 14 वर्ष बाद रिव्यू माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, और 2003 में जो आदेश पारित हुआ था उसको रिव्यू करने के लिए प्रार्थना की, और रिव्यू करने की प्रार्थना प्राधिकरण द्वारा इसी ग्राउंड पर की कि इनकी आवासीय योजना का भाग है और आवासीय योजना का भाग होने के कारण GDA का पक्ष सुना जाना आवश्यक था। माननीय न्यायालय ने भी यह माना कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है, और तकरीबन 14 वर्ष का विलंब क्षमा किया। एक बहुत ही उदाहरण प्रस्तुत करने वाला आदेश है अपने आप में, और स्पष्ट रूप से निर्देशित किया कि अप्रैल में पुनः रिट याचिका की सुनवाई की जावे, जिसमें प्राधिकरण को पक्षकार बनाया जावे और प्राधिकरण का पक्ष भी रखा जावे। जीवाजी विश्वविद्यालय के शारीरिक अध्ययन शाला द्वारा 16 मार्च से 2 दिवसीय फिटनेस, हेल्थ और स्पोर्ट्स साइंस पर कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। अधिवेशन गालव सभागार में आयोजित होगा, जहां मुख्य वक्ता के रूप में मेडिकल साइंस कराड़ के कुलपति डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा और गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में LNIP की के कुलपति प्रोफेसर दिलीप डुरेडा मौजूद रहेंगे। आयोजन सचिव केशव सिंह गुर्जर ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए यह जानकारी दी। शिवाजी विश्वविद्यालय की शारीरिक शिक्षा अध्ययन शाला द्वारा ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है फिटनेस, हेल्थ एंड स्पोर्ट्स साइंसेज के ऊपर। 16-17 मार्च को इसका आयोजन है और 16 तारीख को इसका उद्घाटन होगा। पूरे देश के जो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में एक्सपर्ट हैं वो यहाँ पधार रहे हैं। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में फिजिकल एजुकेशन क्षेत्र के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम डॉक्टर ML कमलेश, जिन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, और वे यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में पधार रहे हैं। हमारे कीनोट स्पीकर के रूप में मेडिकल यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र के वाइस चांसलर डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा जी पधार रहे हैं, और एशियन गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट, ओलंपियन और अर्जुना अवार्डी विजय सिंह चौहान, जो जीवाजी विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं, वो विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। LNIP ग्वालियर के वाइस चांसलर, जो जीवाजी विश्वविद्यालय के छात्र हैं, वो भी विशेष अतिथि के रूप में यहाँ उपस्थित रहेंगे, और हमारी आदरणीय कुलपति प्रोफेसर संगीता शुक्ला अध्यक्षता करेंगी। पूरे देश के करीब 250 पार्टिसिपेंट्स इसमें भाग ले रहे हैं, और पूरे देश से करीब 30 रिसोर्स पर्सन्स, जो अपने अपने क्षेत्र में विशेष योग्यता रखते हैं, वो यहाँ पधार रहे हैं। उनके डेलीब्रेशन से छात्रों को फ़ायदा होगा, और ये जो है ना, उन्हीं छात्रों की सुविधा के लिए ये जो आयोजन है, और इसका निश्चित ही लाभ मिलेगा। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में खेले जा रहे MBI मेमोरियल ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट शुक्रवार को भी कई रोचक मुकाबले देखने को मिले।
जहां सागर डिवीज़न और ग्वालियर डिवीज़न के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें टॉस सागर डिवीज़न ने जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 238 रन बनाए। इस दौरान खिलाड़ियों ने कई बेहतरीन शॉट लगाए और ग्वालियर डिवीज़न के बॉलरों को खूब छकाया। यह मैच सुबह 9:30 बजे से शुरू हुआ। ये मैच चल रहा है ग्वालियर डिवीज़न वर्सेज सागर डिवीज़न, 4-डे मैच है, मल्टी डेज मैच है। टॉस सागर ने जीता, बैटिंग की उनने, 238 रन पर ऑल आउट हुए, हम लोग 280 पर भी 6 विकेट हैं। और अब हमें दीजिए इजाज़त और आप बने रहिए इंडिया खबर लाइव के साथ।